तो ये है हमारा होम स्टे तवांगखिम, तवांगखिम होम स्टे है और हम ऊपर बालकनी का व्यू भी दिखाने वाले हैं। चलिए दिखाते हैं और बालकनी से पूरा टी गार्डन दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर हमने गाड़ी को पार्क किया है, पार्किंग की फैसिलिटी है हमारी बालकनी से, पार्किंग रूम के अंदर से, रूम से हम अपनी गाड़ी को देखते रहेंगे। बहुत खूबसूरत। चलिए वेलकम हो रहा है ये तवांगखिम होम स्टे में और बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी कभी आओ तो आप ही लोग के पास। थैंक यू। देखिए ये हमारे होम स्टे के बालकनी से व्यू है और ये पूरा टी गार्डन एकदम देखिए सरदा पूरा व्यू का आनंद ले रही है। चलिए जरा मैम थोड़ा सा रूम को दिखाइए होम स्टे का। और आप तो इधर से बालकनी तो बाद में दिखाइएगा। देखिए इधर भी बालकनी है। अपने होम स्टे के रूम का आपको सैर कराते हैं। तो ये रूम है ना पूरा वुडन फिनिश है। पहले वाशरूम में दिखा देता हूँ क्योंकि वाशरूम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कहीं बाहर जाने पर। पूरा बहुत अच्छा जबरदस्त है, जबरदस्त फिनिशिंग का है तवांगखिम होम स्टे। ये वाशरूम है और ये रूम है और रूम से पूरा नज़ारे दिखते हैं टी गार्डन के। और ये बहुत जबरदस्त रूम का व्यू है। हाँ बहुत बड़ा बड़ा विंडो है, वो भी पर्दा लगा हुआ है नहीं तो और बड़ा दिखता। तो दो दीवार पूरा विंडो है। हाँ दोनों तरफ है पूरा विंडो और दोनों तरफ व्यू है। मैंने बेड से आप व्यू को निहार सकते हैं। जरा सा खोल के दिखाइए मैम एक विंडो। तो हम थोड़ा सा देखिए ये पाम व्यू भी यहाँ पर है। पाम के साथ जो ये टी गार्डन का व्यू है ना ये हमारे बालकनी से लगा हुआ है। दोनों तरफ टी गार्डन बहुत जबरदस्त है, दोनों तरफ है। देखिए इधर भी बालकनी है, रूम से इधर भी बालकनी है, यहाँ भी बैठेंगे शाम में पार्टी होगी। और देखिए ये देखिए एक डबल बेड है और एक आदमी और आपके साथ हैं तो उनके लिए भी बेड है। बच्चा है आपके साथ, बेबी है तो उसके लिए भी बेड है। तो इधर भी जो विंडो है मैं इधर का भी विंडो थोड़ा सा खोल के दिखाइए कि उधर से किस तरह का व्यू आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त है ना पूरा वुडन फिनिश है, तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अरे वाह यहाँ पर एक पूरा दीवार विंडो है लगता है नज़ारे क्या। देखिए पूरा इधर भी विंडो है ना, पूरा एकदम विंडो ही विंडो है। क्या जबरदस्त है। और जय श्री राम का पताका लहरा रहा है हमारे होम स्टे की बालकनी से। और ये देखिए इधर भी वैली का भी, इधर भी बालकनी भी जा सकते हैं। बड़े मस्त है। और पार्किंग में देखिए मेरी गाड़ी वहाँ पार्किंग में लगी हुई, चलिए इधर बालकनी से दिखा देते हैं। बहुत ज़बरदस्त है। और खाना तो मत पूछिए, नीचे डाइनिंग में है जो हमने मस्टर्ड वाल कहा कि वेजिटेबल्स चाहिए और पकौड़ा वो सब मिला मस्टर्ड वाइल में भी। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। देखिए बस आइए बालकनी में, देखिए रूम से ही पूरा व्यू दिखता है। इधर भी है ये, यही हमारा विंडो है पहला रूम है ना। और ये जो व्यू दिख रहा है ना ये वाला व्यू, ओह गजब का व्यू है जी, मस्त है होम स्टे। इधर के भी बालकनी को भी दिखाइए मैम, ये ऑर्किड ओकेटी ओकेटी टी गार्डन है यहाँ पर। ये मस्त वाला व्यू है। ये एक और विंडो है इस साइड से, तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ का व्यू आ रहा है। पीछे भी आके आप देख सकते हैं कई सारे रूम्स हैं। और ये देखिए क्या मस्त वाला व्यू है यहाँ पर। मॉर्निंग में सनराइज देखिए, सनसेट देखिए,
बहुत जबरदस्त। यहाँ पर बैम्बू ट्री वगैरह भी है, पूरा वैली दिखता है जी, पूरा वैली दिखता है हमारे होम स्टे से। ये व्यू पॉइंट है, ये होम स्टे नहीं है, ये व्यू पॉइंट है। ये मेरी गाड़ी रही है, एस नेक्स्ट टीम की गाड़ी देखिए। पार्किंग भी बहुत ज़बरदस्त है, इनका ही है सारा चीज है। तो यहाँ पर बैठिए, शाम में पार्टी होगी, म्यूजिक बजेगा, लाइटिंग होगी। और देखिए यहाँ पर एस नेक्स्ट ने अपना डेरा डाल दिया, पार्किंग भी अवेलेबल है, आप यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं, रह सकते हैं। और यहाँ से 4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर इसी रास्ते से आप जाइएगा लेक व्यू पॉइंट मिरिक का। और इधर से ही सिलीगुड़ी जाएगी, इधर से पशुपतिनाथ मार्केट नेपाल की तरफ जाएगी। थोड़ा ही दूर पर जाने पर आगे बहुत ज़बरदस्त व्यू सब है, ये कोई गुफा नाम से फेमस है जो इसी रास्ते में है और वो नेपाल के बॉर्डर में एंट्री लेता है, वो सभी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए उधर से लोग आ रहे हैं, हम उधर ही जाएंगे थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि हम घूमने आए हैं। चलिए हम आपको भी घुमाते हैं। देखिए सविता गाड़ी के पास गई है, कुछ जो उसे ज़रूरत है तो कोई सामान ले रही है, और उसके बाद जाएगी, कहाँ घूमने जाएगी, किधर जाएगी पता नहीं। अभी मैं दिखाता हूँ, ये एरियल व्यू आपको हम दिखा रहे हैं एस नेक्स्ट की गाड़ी से। सब तक कुछ स्वेटर उटर निकाल रही होगी, अब थोड़ा थोड़ा शाम होने को है तो ठंडा भी लगेगा। हाँ सर, स्वेटर पहनिए और चलिए। किधर जाएगा, टी गार्डन में जाएगा क्या? चलिए सब तक रेडी है, रेडी टू टूर। चलिए हम लोग को टी गार्डन का टूर कराइए। क्या मस्त नज़ारे हैं यहाँ के, मजा आ रहा है। जबरदस्त, हम जूम करके दिखाते हैं और थोड़ा सा हम भी उस टी गार्डन में चलते हैं। एकदम बहुत अच्छा लगा, एकदम होमली फील हुआ, ऐसा नहीं लगा कि बाहर है, जब भी कोई मेरे यहाँ घर जैसा फील हुआ। और हम लोग आएंगे बहुत जल्दी आने वाले फिर से। थैंक यू बाय बाय।
Oh,